यूपी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे वाराणसी का रुख, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में करेंगे शुरुआत, 10 सेंट्रम का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदे। जिन्ना के बयान पर सियासी घमासान जारी, ओवैसी ने अखिलेश पर कसा तंज, अखिलेश को कहा गूटा छाप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में पहुंचेंगे, जहां सीएम आवास पर यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बैठक में डिफेंस सेक्टर से जुड़े प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों व कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि राजनाथ सिंह सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श बैठक में शामिल होंगे। दोपहर में राजनाथ सिंह बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वो 4 बजे पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम 5:05 पर सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर सी पहुंचेंगे और 10 सेंट्रम का उद्घाटन वो करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के वो दौरे पर हैं। 3 दिवसीय राजनाथ सिंह का ये लखनऊ का दौरा है, जहां पर वो तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज लखनऊ राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ उनके कार्यक्रम है 3 दिन के? पारुल, देखिए, 3 दिवसीय इनका दौरा है और खासतौर से लखनऊ पहुंचेंगे आज, और सीएम आवास पे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेट की बैठक होगी और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इनके साथ मौजूद होंगे और तमाम मंत्री विधायक में शामिल होंगे इस बैठक में। और डिफेंस सेक्टर से जितने भी बिजनेस और निवेशक होंगे, वो कई जो लोग होंगे वो शामिल होंगे। वहीं साथ ही साथ लखनऊ के 2 जगह और के प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। 1:04 बजे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, वहां पे पहुंचेंगे। उसके साथ 5 बजे सुशांत गोल्ड सिटी सेंटर है, वहां पे पहुंचेंगे। 10 स्पेक्ट्रम उद्घाटन है, वहां पे उद्घाटन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह का लगातार एक के बाद एक इनकी जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से निश्चित कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पहले से ही तैयारी की जा रही थी कि जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल टाइम से रहे। और 3 दिवसीय दौरा रहेगा इनका खासतौर से, और कल के जो प्रोग्राम है उसमें भी बीजेपी के कई ऐसे तमाम बिल्कुल। यानी रूबी, राजनाथ सिंह का जो ये दौरा है, इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है खास तौर से डिफेंस प्रोग्राम को लेकर जरूर है, लेकिन जो कयास है वो इसी बात को लेकर है। तमाम बैठकों के बाद, प्रोग्रामों के बाद बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन लोगों के साथ इनकी एक अहम बैठक भी की जाएगी राजनाथ सिंह के घर पर। और शाम के बाद, यानी कि 5 बजे के बाद, राजनाथ सिंह अपने घर पे एक छोटी बैठक जरूर बुलाए हैं, जिसमें सारे लोगों को बुलाया गया, खासतौर से जो लखनऊ के जो बीजेपी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन लोगों को खासतौर से बुलाया गया है कि शांति बैठक में, कि चाय पे बुलाया गया है कि शाम की चाय उसके साथ की जाएगी। बिल्कुल रूबी, और आज राजनाथ सिंह के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श जो बैठक होने वाली है, उसमें भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्या कुछ किया जाएगा और इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें इन्होंने खास तौर से उन तमाम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रखा है जो रक्षा मंत्री को खास तौर से देखा जाता है जो डिफेंस प्रोग्राम को लेकर। लेकिन जो इसमें प्रोग्राम के लेके जो आयोजित खासतौर से शस्त्र अस्त्र इन बातों को खासतौर से इसमें सेक्टर में बांटा जाएगा। जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है उसमें
कई कोर्सों को लेकर बातचीत की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि माध्यम कोई भी हो लेकिन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को गिनाया जाएगा। बीजेपी सरकार ने क्या किया है अस्त्र के लिए, खासतौर से डिफेंस के लिए, उनको बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि द स्पेक्ट्रम जो उद्घाटन है उसमें भी उन्होंने अपनी ही गुणगान गाते हुए जरूर दिखाई देंगे कि एक पुस्तक है उसका विमोचन करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है चुनावी दौरे जरूर है लेकिन जो प्रोग्राम है उसका जो नाम है वो अलग रखा गया है। लेकिन जो राजनाथ सिंह का प्रोग्राम है वो तीन दिन लगातार इसीलिए रखा गया है कि आज सरकारी प्रोग्राम इस तरीके से तय किए दिए गए, कल जो बैठकें होंगी और परसों जो है उनका प्रोग्राम है वो खासतौर से उन तमाम लोगों के साथ होगा, बैठकें होंगी जो अब लास्ट समय बचा हुआ है बीजेपी के पास, जिसके वजह से अब एक भी क्षण गंवाना नहीं चाहते। जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे लगातार राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर। तो ऐसे में आज आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने